तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस हम टेस्ट करने वाले अपनी 10 SUVs को इस रैंप पे। तो चलिए अब रैंप दिखाते हैं आपको। यहाँ से हमें अपनी कार्स को ऊपर लेके जाना है फुल स्पीड में, और फिर फुल स्पीड में ही हमें नीचे लेके जाना है वाटर के नीचे से होके, और इस रैंप के ऊपर चढ़ानी है हमें कार्स को और पार करना है फिनिश लाइन को। तो चलिए चलते हैं अपनी SUVs की तरफ और टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे अपनी महिंद्रा थार को। तो चलिए चलते हैं फटाफट, थार में बैठते हैं और यहाँ से भगाते हैं। तो भाई फटाफट बैठ चुके हैं हम अपनी थार में और लेके चलते हैं पीछे की तरफ। इसको थोड़ा सा बीच में खड़ी है तो निकालना पड़ेगा यहाँ से, और अब तेज रफ्तार स्पीड में भगाते हुए यहाँ लेके चलते हैं आगे। भाई काफ़ी सही जा रही है, थोड़ी पानी में दिक्कत हुई है, स्पीड कम हुई है, बट यहाँ पर थोड़ी क्रैश हो गई। भाई बंद तो नहीं हुई है गाड़ी? नहीं गाइस बंद नहीं हुई है। भाई काफ़ी तगड़ी तरीके से चलती जा रही है कार, यहाँ पे स्पीड सही पकड़ी इसने, ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है इसको। भाई यहाँ वेव आई है थोड़ी सी, बट वेव को भी पार कर चुकी है, और यहाँ पे भाई क्रैश हो गई दोबारा, और यहाँ पे वेव आई है एक और। भाई पानी में नहीं जानी चाहिए, बच गई गाइस। तो गाइस क्या लगता है, पहुँच जाएगी वेव्स को पार करते हुए और इस वाले हिल पे चढ़ पाएगी ऊपर? तो क्या लगता है क्रॉस कर पाएगी, आप लोग कमेंट करके बताना। भाई फटाफट चलते हैं, और भाई काफ़ी तगड़ी तरीके से एक और वेव को पार करते हुए जंप मारी, फिर से वेव आई, बच गई गाइस, नहीं तो इस बार क्रैश हो जाती और बंद पड़ जाती गाड़ी अपनी। तो भाई यहाँ पे थार पहुँच चुकी है बेहतरीन तरीके से, अब यहाँ पार करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ को। तो गाइस टेस्ट करेंगे अपनी फॉर्च्यूनर को। भाई फॉर्च्यूनर में बैठते हैं फटाफट और लेके चलते हैं फॉर्च्यूनर को। भाई फॉर्च्यूनर तो पार कर जाएगी, मेरे को तो फॉर्च्यूनर से ज़्यादा उम्मीद है। तो क्या लगता है गाइस, फॉर्च्यूनर पार कर पाएगी इस चैलेंज को? मुझे तो लगता है भाई पार कर जाएगी। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। और फटाफट चलते हैं भगाते हुए इसको, स्पीड में काफ़ी तगड़ा भाई यहाँ से स्पीड ही कम हो गई वाटर से, और यहाँ से स्पीड में भगाई और यहाँ पे क्रैश हो गई है थोड़ी सी। भाई आगे से भाई इसका पूरा क्रैश हो चुका है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है इसको चढ़ने में। गाइस क्या लगता है, चढ़ पाएगी बड़े आराम से ये? मुझे तो भाई दिक्कत लग रही है इसको चढ़ता हुआ देखने में, भाई काफ़ी खतरनाक तरीके से स्पीड, तो इंजन की आवाज़ आ रही है बट भाई स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। थोड़ा सा रिवर्स लेके चढ़ाते हैं अब यहाँ पे, भाई रिवर्स लिया थोड़ा सा और यहाँ चढ़ाते हैं भयंकर तरीके से। तो गाइस क्या लगता है पार कर पाएगी? मुझे तो भाई डाउट लग रहा है इसका, जैसे इसकी स्पीड कम हो गई थी। तो यहाँ फिर से एक वेव आई, वेव को पार करते हुए जंप मारी था हमारी फॉर्च्यूनर ने, फिर से एक और जंप, दोबारा क्रैश हो गई गाइस, बिल्कुल पीछे से उठ चुकी है गाइस, गिर चुकी। भाई एक और वेव और यहाँ चढ़ चुकी है फॉर्च्यूनर हमारी आराम से इस वाले हिल पे भी। तो भाई क्या लगता है क्रॉस कर पाएगी पूरा रैंप? यहाँ पे एक और वेव, भाई बैलेंस बिगड़ा और ये वेव के संग बह गई गाड़ी। तब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ को। तो गाइस अब टेस्ट करेंगे अपनी रेंज रोवर मंसार को। भाई काफ़ी सही कार है ये भी, इसको टेस्ट करते हैं ये पार कर जाए। भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फॉर्च्यूनर फेल हो चुकी है जब इस चैलेंज में, तो भाई कोई भी कार का डाउट लग रहा है। भाई यहाँ पे क्रैश हो चुकी है, आगे की विंडशील्ड पूरी टूट गई है। अब चलते हैं आगे, इस हिल पे चढ़ाते हैं। भाई काफ़ी आराम से चढ़ चुकी है यार ये, तो भाई पास कर जाए चैलेंज को तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो चलिए भाई एक और जंप वेव को पार करते हुए। इंजन ऑफ हुआ क्या? नहीं गाइस नहीं हुआ है, अच्छा है गाइस, बड़े आराम से चढ़ती हुई। और भाई फटाफट भगाते हैं इसको, और ये पहुँच ही गई है यहाँ पे। और भाई एक और वेव क्रॉस करी इसने और यहाँ फिनिश लाइन के पास पहुँच गई है, और यहाँ पे भाई पहुँच गई रेंज रोवर, दूसरी कार बन चुकी है पहुँचने वाली रेंज रोवर मंसार। तो यहाँ पार्क करते हैं इसको साइड में और चलते हैं अगली कार की तरफ को। तो गाइस अब टेस्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट कार रेंज रोवर वलार। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको फटाफट, भाई स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं यहाँ से। भाई आवाज़ तो सही आ रही है इंजन की, भाई कितनी हैवी कार है, क्या लगता है गाइस पार्क कर पाएगी? और भाई अच्छी तरीके से इसने जंप करी, ये भी क्रैश हो गई, यहाँ तो ये पलट चुकी है कार। भाई सीधी हो जा, अब यहाँ सीधी हो चुकी है, भाई इंजन बंद नहीं होना चाहिए यहाँ पे। भाई क्या लगता है पार कर पाएगी, क्रॉस कर पाएगी रैंप को? भाई दिक्कत हो रही है इसको चढ़ने में क्योंकि फॉर्च्यूनर फेल हो चुकी है, तो भाई ये इसका भी मुश्किल लग रहा है, बट एक मॉडल इसका पार कर चुका है। भाई यहाँ पे एक और वेव आई, बच गई वेव से इस बार, और यहाँ पे हिल पे क्रैश हो गई थोड़ी सी। अब बैक करते हैं इसको, थोड़ा रिवर्स लेंगे, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इतनी आसानी से चढ़ेगी नहीं। और यहाँ पे वेव को पार कर चुकी है ये, दोबारा आई वेव एक और, यहाँ पार कर गई।
एक और वेव लगातार दो वेव को पार कर पाएगी। तो गाइस यहाँ नुकसान हो चुका है, रेंज रोवर बंद हो चुकी है। अब तो कोई बात नहीं, अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ को। तो गाइस अब टेस्ट करेंगे अपनी मर्सिडीज की जी वैगन को। अब लेके चलते हैं जी वैगन को फटाफट स्टार्ट करके। तो भाई जी वैगन क्या पार कर पाएगी जब रेंज रोवर बंद हो गई, फॉर्च्यूनर फेल हो गई? तो क्या लगता है गाइस, जी वैगन आराम से पार कर पाएगी? भाई अब तक का परफॉर्मेंस तो उसका सही है, बट यहाँ ऊपर चढ़ने पे हिल पे दिक्कत ना हो। तो भाई यहाँ से भी आराम से पार कर गई। और एक और वेव आती हुई, चलो वेव तो निकल गई है बट एक और वेव आई। तो यार जी वैगन क्या सही है। और भाई यहाँ पे इसके ऊपर क्रैश हो गई, पानी में नहीं बच गई। भाई अच्छा इसकी पकड़ अच्छी है गाड़ी की। और रिवर्स लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अब यहाँ से चढ़ना तो मुश्किल है, रेंज रोवर पे क्रैश होने की वजह से ये। और इसने रेंज रोवर को पीछे कर दिया, इतनी मजबूत कार है ये, इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ ली इसने। भाई बिल्कुल टायर उसमें से धुआं निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है कार को यहाँ चढ़ने के लिए। और बड़े आराम से चढ़ गई थोड़ी मुश्किल के साथ। एक और वेव, वेव्स को पार करते हुए हमारी जी वैगन ने क्रॉस कर दिया दो लगातार वेव को। और भाई यहाँ पर तीसरी कार बन चुकी है जी वैगन हमारी, जिसने क्रॉस कराया हमारे इस पूरे चैलेंज को। तो गाइस अब इसको भी यहीं पार्क करते हैं अपनी कार्स के पास और चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ को। तो गाइस हम टेस्ट करेंगे अपनी मर्सिडीज की AMG को। तो भाई लेके चलते हैं फटाफट, ये भी काफ़ी हैवी कार है और थोड़ी लंबी कार है। तो गाइस क्या लगता है ये पार कर पाएगी? क्योंकि अगर जी वैगन पार कर गई तो ये कट जानी चाहिए। भाई यहाँ पानी में निकलते हुए वाटर से पार, स्पीड कम हो जाती है यार वाटर में जब जाती है कार। तो भाई फटाफट इस कार को भगाते हैं, वेव आई एक और, वेव से स्पीड कम हुई फिर से, एक और वेव। और भाई यहाँ पे आई बड़े आराम से, पूरे यार गाइस वेव भाग के ले गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ अपना टेस्ट करते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट कार होगी हमारी लैंड क्रूजर, ये भी उसकी तरह ही लंबी है AMG की तरह, बट ये थोड़ी सी ऊंची कार है। तो गाइस क्या लगता है पार कर पाएगी? लेकिन ये उससे थोड़ी सी और लंबी है। भाई पता नहीं क्या होगा, जब इतनी बढ़िया बढ़िया कार्स फेल हो जा रही हैं तो इस कार का हम कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है गाइस? और यहाँ तक वीडियो देख लियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना। एक और वेव आई, पार कर दिया इसने, एक और वेव निकल गई भाई बड़े आराम से, एक और वेव आई। यहाँ पर दिक्कत हुई से चढ़ने में थोड़ी सी, लैंड क्रूजर काफ़ी लंबी कार है। और एक और वेव, एक और वेव से पार होते हुए जंप मारी इसने बेहतरीन तरीके से, पार हो चुकी है भाई। एक और वेव बंद नहीं होनी चाहिए, बस बहुत बढ़िया गाइस ये भी पार कर चुकी है। और चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ को, इसको यहीं पार करते हैं पहले अपनी कार्स के पास और चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ को। तो गाइस अब बारी है हमारी लेक्सस की LX 600 की, इसको टेस्ट करते हैं फटाफट। ये भी भाई लैंड क्रूजर्स की तरह ही लंबी कार है और भारी कार है। भाई यहाँ पे जंप मारी इसने और भाई यहाँ पे पलट चुकी है। तो गाइस क्या लगता है पार कर पाएगी? यहाँ से ही निकल जाए पहले। गाइस इतने पानी में ही इसका इंजन बंद हो गया है। तो गाइस ये फेल हो चुकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ अपनी। तो गाइस नेक्स्ट कार होने वाली हमारी लैम्बोर्गिनी यूरस। तो गाइस क्या लगता है ये पार कर पाएगी? जब इतनी ऊंची ऊंची कार्स फेल कर हो गई इस रैंप पे, तो क्या ये यूरस पार कर पाएगी? भाई काफ़ी नीची कार है, वेव पे से दिक्कत होगी, बट यहाँ पे क्लियर करते हुए ये यहाँ पे लेक्सस खड़ी अपनी फेल हो चुकी है। जो यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ भी पानी का थोड़ा सा भाई दिक्कत हो रही है इसे चढ़ने में। तो गाइस क्या लगता है ये पार कर पाएगी? फटाफट भगाते हैं एक और वेव आने से पहले, यहाँ से पार कराते, वेव आ चुकी है गाइस। इस बार दिक्कत होती हुई यहाँ पे भाई पार कर चुकी है। तो गाइस यहाँ पे बहुत तगड़ी वेव आई है, पीछे से गाड़ी पूरी उठ चुकी है, फिर भी इसके इंजन की भाई क्या बात है, पूरा इंजन चालू है अब तक। भाई साहब फटाफट चलते हैं, थोड़ी सी आवाज़ इंजन की बदल चुकी है पानी की वजह से। भाई एक और वेव आती हुई निकल गई यहाँ से, कार जंप मारी काफ़ी तगड़ी और आगे का बोनट खुल चुका है इसका। एक और भाई पीछे से उठा दी इस वेव ने कार को पूरा। और यहाँ पे लास्ट वेव आती हुई यहाँ से भी पार हो चुकी है गाइस, हमारी लैम्बोर्गिनी यूरस भी पार हो चुकी है। अब इसको यहीं पार्क करते हैं अपनी सब विनर्स कार के पास और चलते हैं अब नेक्स्ट कार की तरफ को। फटाफट पार्क करते हैं इसको यहाँ पे बीच में करते हैं दोनों के पार्क, एकदम प्रोफेशनल्स की तरह पार हो चुकी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कार की तरफ को भाई, अब लास्ट कार बची है अपनी डिफेंडर, इसको टेस्ट करने का वक्त आ चुका है। तो भाई चलते हैं डिफेंडर को भगाते हुए, भाई डिफेंडर बंद ना हो जाए इस बार। तो भाई क्या लगता है ये बंद होगी या पार होगी?
भाई यहाँ से तो पास हो चुकी है, इतने पानी में तो उसको कुछ नहीं हुआ, बट आगे और भी बड़ी बड़ी वेव्स आएंगी और ऊपर चढ़ना है हिल्स पे। भाई क्या लगता है, एक और वेव में से निकालते हैं, और यहाँ पे पूरी डूब चुकी थी बट पास हो गई है यहाँ से भी, और यहाँ इस वेव को भी क्रॉस कर गई बेहतरीन तरीके से, इस हिल पे चढ़ पाएगी, क्रॉस कर पाएगी, भाई कर चुकी है। तो गाइस फटाफट भगाते हैं, एक और वेव आई और यहाँ पे गाड़ी पार हो चुकी है, भाई इस बार वेव ने पलटा दी कार। अब चलते हैं आगे की तरफ, भाई फिनिश लाइन क्रॉस हो चुकी है, डिफेंडर जीत चुकी है चैलेंज को। भाई फटाफट इस बार हमारी 10 SUVs में से ओनली 6 SUVs पार कर पाई हैं और 4 फेल हो चुकी हैं। तो गाइज अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेना, और कमेंट में अपनी फेवरेट कार बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।